नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। कोरोना की तीसरी लहर के खत्म होने के बाद जिंदगियां पटरी पर लौटने लगी। लोग बेपरवाह हो गए, पर अब चौथी लहर की आहट ने सबको हैरान करके रख दिया है। यूपी में कोरोना मामलों में तेजी देखने को मिल रही है, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। कोरोना गाइडलाइन की पाबंदियों से अभी कुछ ही वक्त पहले लोगों को राहत मिली ही थी कि अब एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है, जिसने इस वक्त प्रशासन की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पिछले चार दिनों में यूपी में कोरोना मामलों में तेजी देखी गई है। वहीं बीते 24 घंटे में ही प्रदेश भर में कोरोना के 90 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 362 हो गए हैं, जबकि 35 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 90 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अमित मोहन ने बताया कि 24 घंटों में 1,11,315 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 90 नए केस मिले। इनमें से 44 मामले सिर्फ गौतम बुद्ध नगर, 18 गाजियाबाद और 6 नए मामले लखनऊ में मिले हैं। वहीं कोविड वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अब तक कुल 30,62,00,000 डोज लोगों को दी जा चुकी है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सबसे डराने वाली बात ये है कि इस बार सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अकेले नोएडा में 7 दिनों में 44 स्कूली छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से 16 छात्र ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है। वहीं नोएडा में कुल 167 एक्टिव केस हैं, जिनमें 26.3% बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। वहीं गाजियाबाद में अब तक 8 स्कूलों में 12 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अब प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। यूपी में ऐसे जिलों में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं जिनकी सीमाएं दूसरे राज्यों से सटी हुई हैं। इनमें खास तौर से दिल्ली और हरियाणा से सटे जिले हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के कॉन्टेक्ट में आए लोगों को ट्रेस कर जाँच की जा रही है। बहरहाल जिस तरह से मामले रोजाना रफ्तार पकड़ रहे हैं, वो कोरोना की चौथी लहर का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि एक बार फिर से सावधानी बरती जाए, कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए, जिससे इस चौथी लहर को वक्त रहते रोका जा सके। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो कोरोना के मामले कम होने के बाद जब एक बार फिर से अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो लोगों को चौथी लहर की आशंका सताने लगी है। और दूसरे खतरे भरी बात यह भी है कि इस बार बच्चे संक्रमित होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभिभावकों को काफी टेंशन होती नजर आ रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।